हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडु जोन में। मैं हूं दीपक कुमार। और जिस तरीके से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 आगे बढ़ रही है समय के साथ साथ, तो उसी तरीके से उसका भविष्य भी खतरे में पड़ते जा रहा है कि आखिर इसका भविष्य क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब शुरुआत में जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, वह केवल उत्तराखंड के जो बीएड प्रशिक्षित हैं और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, इनके बीच में फंसी हुई थी। केवल यही था इनके बीच में कि टेट बेस पर हो कि या ईयर वाइज हो, पहले बीएड के ही बीच में एक जंग हो गई थी। बीएड वालों में ही दो भागों में बंट गए थे बीएड वाले, कि एक कुछ बीएड वाले कह रहे थे कि टेट बेस पर होना चाहिए, कुछ बीएड वाले कह रहे थे ईयर वाइज होना चाहिए। पहले तो पेच यहाँ फंसा हुआ था। और ये भी था कि बीएड वालों को डीएलएड, जो डायट डीएलएड हैं, उनके बराबर माना जाए और उनको भी समान अवसर दिया जाए, ना कि जो डायट वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन उसके बाद फिर और एनओएस डीएलएड बीच में आ गए हैं, एनआईओएस डीएलएड। एनओएस डीएलएड वालों का कहना है कि उनकी जो डिग्री है वह भी उनके बराबर मान्य है, जैसे कि डायट वाले हैं उसी तरीके से जैसे बीएड वाले हैं, और उनको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी आ गए। उसके बाद अब एक नई और मांग उठ खड़ी हुई है, ब्रिज कोर्स वालों से सौतेला व्यवहार क्यों। ब्रिज कोर्स वाले भी कह रहे हैं कि उनको भी इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो सवाल उठ रहा है, प्राथमिकता किस किस को दी जाएगी? अगर इस तरह से चलता रहा तो बीएड वाले तो बिल्कुल पीछे खिसक जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, तो पहले तो डायट डीएलएड हो जाएगा, उसके बाद डायट डीएलएड, एनओएस डीएलएड, उसके बाद ब्रिज कोर्स, और बीएड जो ब्रिज कोर्स विदाउट है उनके लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रखा है। ब्रिज कोर्स वालों से सौतेला व्यवहार क्यों, सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने एनआईएस का डीएड डीएलएड को डायट डीएलएड के समकक्ष मानते हुए प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखाकर मान्यता दे दी है, जो कि एक सराहनीय कदम है यहाँ पर। लेकिन ब्रिज कोर्स वालों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार समझ से परे है। पहले से बीएड धारी और ब्रिज कोर्स करने के बाद भी अगर इन अध्यापकों को सरकार प्राथमिकता अध्यापक की भर्ती में वरीयता नहीं देती है, तो यह फैसला हजारों ब्रिज कोर्स धारकों पर कुठाराघात होगा। मेरा समस्त राज्य के ब्रिज कोर्स के धारकों से करवत निवेदन है कि एकजुटता का परिचय देते हुए अपने जनपदों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़े और अपने साथ हो रहे पक्षपात का पूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाए। तो इस तरीके का ये पोस्ट डाला है, उस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर फेसबुक का। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि अब ब्रिज कोर्स भी वाले भी आ चुके हैं। पहले बीएड डीएलएड डायट डीएलएड वाले थे, उसके बाद एनआईएस डीएलएड वाले आ गए। उन्होंने कहा हमारी भी इक्वलिटी है, ठीक है, हमें भी प्राथमिकता दी जाए, और अब ब्रिज कोर्स भी। तो बात आती है कि उन लोगों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा जो कि बीएड वाले हैं और विदाउट ब्रिज कोर्स वाले हैं। तो सब यहाँ पर एक एक करके जो भर्ती है वो उलझती जा रही है। सभी को प्राथमिकता चाहिए, सभी को जॉब चाहिए, आखिर जॉब किसको मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आखिर यह जो भर्ती है किस ओर जाएगी, क्या मोड़ लेगी? तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस जो वीडियो है इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर करें, क्या विचार है आपका इस वीडियो के बारे में।